हेलो फ्रेंड्स, मैं शैम्पी और वेलकम करता हूँ आप सभी का शैम्पीज गार्डन में। आज हम बात करेंगे अजीलिया प्लांट के ऊपर। अजीलिया पर आप कैसे ढेरों फूल पा सकते हैं, किस तरह से आपको उससे फ्लावर लेने हैं। अजीलिया जैसे कि आप जानते हैं परमानेंट प्लांट है और बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग करता है, तो कैसे इससे विंटर में फ्लावर लेने हैं, कौन से इसको फर्टिलाइज़र देना है, आज मैं आपके साथ वही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र शेयर करूँगा। उससे पहले देखिए, मेरा अजीलिया का प्लांट है ये वाला, इसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं बंचेस में। तो ये मेरा एक 12 इंच के गमले में लगा हुआ लगभग 1.5 साल पुराना प्लांट है, तो समर्स में भी मेरे पास ये बहुत अच्छा सर्वाइव किया है, बहुत बढ़िया चला है और इस पर बहुत सारी बर्डिंग और बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। तो इसकी केयर एंड टिप्स आपसे आज बताऊँगा और कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है वो आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बताऊँगा मैं आज अजीलिया के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरे अजीलिया के प्लांट्स हैं। एक ये मेरे पास वाइट और पिंक कलर का है, बहुत बहुत ही सुंदर इसके फ्लावर्स हैं। ये देखिए इसके मल्टी फ्लावर्स आ रहे हैं अभी भी। तो ये मेरा जो दूसरा रेड कलर का आपको दिखाया है, ये देखिए इसके बंचेस में फ्लावर्स आते हैं और बहुत ही दिन तक इसके फ्लावर्स, कम से कम भी 7-8 दिन तक इसके फ्लावर्स जो हैं खिले ही रहते हैं। देखिए कितनी हैवी बर्डिंग हो रही है इनके ऊपर। तो बहुत ही बढ़िया सुंदर ये प्लांट है। तो पहले तो मैं कहना चाहूँगा ज़रूर इसको गार्डन में अपने जगह दीजिए, क्योंकि ये एक पेरिनियल प्लांट है, समर्स में भी सर्वाइव करता है और विंटर्स में बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है ये। तो पहले बात करते हैं दोस्तों इसकी सॉइल की, हमें इसकी कैसी सॉइल बनानी चाहिए। हमें इसकी बहुत ही पोरस वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, क्योंकि ये एक मॉइस्चर लविंग प्लांट है। तो इस प्लांट को बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। तो लेकिन जो इसकी सॉइल है वो सोगी नहीं होनी चाहिए, मीन्स इसमें पानी खड़ा नहीं रहे, सिर्फ पानी ऊपर से हम डालें और नीचे से निकल जाए। तो ये देखिए मैं इसकी आपको सॉइल दिखाता हूँ, मेरे इस प्लांट की बहुत ही पोरस बिल्कुल सॉफ्ट सॉइल है। तो जैसे ही मैं इसमें पानी देता हूँ, पानी साथ के साथ नीचे से ड्रेन हो जाता है, लेकिन इसकी सॉइल में कैपेसिटी रहती है पानी को, मॉइस्चर को मेंटेन करने की। तो इसके लिए जब भी हमने इसकी सॉइल प्रिपेयर करनी है तो उसमें हमें एक पार्ट सैंड, एक पार्ट सॉइल और एक पार्ट कंपोस्ट यूज़ करनी है उसके लिए। तो इसके लिए बेस्ट रहती है लीव कंपोस्ट। तो अगर आपके पास लीव कंपोस्ट अवेलेबल हो तो वो दे सकते हैं, नहीं तो आप कोई और कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो इसके लिए दी बेस्ट है। उससे क्या होगा, इसका जो ड्रेनेज है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा और ये समर्स में भी ईजिली आपके पास प्लांट जो है वो सर्वाइव करता रहेगा। तो मैं जैसे ही इसमें प्लांट में पानी देता हूँ तो प्लांट में पानी ड्रेन हो जाता है। और उसके बाद बात करते हैं, इसको एसिडिक सॉइल चाहिए, तो एसिडिक सॉइल के लिए हमने कौन से फर्टिलाइज़र इसको देने हैं और कैसे उसका यूज़ करना है। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हम इसे फर्टिलाइज़र देते हैं वो है हमारा राइस हस्क। ये जो एक बहुत स्लो रिलीज और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जिसे कि हम चावल के छिलके से भी जानते हैं, इसी किसी भी शेल्डर पर आपको ईज़िली मिल जाएंगे। तो ये जो है सॉइल की एसिडिक लेवल को मेनटेन रखता है। आपको प्लांट के अंदर मंथली एक बार गुड़ाई करके इसको मिक्स कर देना है, लगभग लगा लीजिए आप 2 से 3 मुट्ठी आप इसकी गुड़ाई कीजिए और इसमें मिक्स कर दीजिए। तो ये बहुत ही स्लो रिलीज़ होगा और एसिडिक लेवल को मेंटेन रखेगा आपके प्लांट के। तो ये आपने देना है इसकी मिट्टी ऊपर से, जैसे आपने निकाल लेनी है 1 से 2 इंच, उसके बाद इसमें राइस हस्क ऐड कर देना है और फिर इस प्लांट में दोबारा से लगा देनी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें खाद कौन सी देनी है, ऑर्गेनिक खाद। तो वो दोस्तों हमने वर्मी कंपोस्ट ली है, उसके साथ हमने वर्मी कंपोस्ट 2 मुट्ठी ली है दोस्तों मैंने, उसके साथ 1 मुट्ठी आप बोन मील ऐड कीजिए, आधी मुट्ठी नीम खली और सरसों खली, सरसों खली भी लगभग 1 मुट्ठी ली है मैंने। तो इनको देने का कैसे है, इन सभी को आपने मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसी के अंदर आप ये अपनी राइस हस्क को भी ऐड कर सकते हैं, इसी के अंदर आप ऐड करके इसी में मिक्स करके भी दे सकते हैं, और आप सेपरेटली देना चाहें तो सेपरेटली भी दे सकते हैं।
जो ये वाली खाद है हमें ये 15 से 20 दिन में एक बार रिपीट करनी है इस प्लांट पर। तो ये खाद हमने मिक्स करके सोयल के अंदर मिक्स कर देनी है। तो ये सबसे दी बेस्ट रहेगी, जिसमें कि हमने कंपोस्ट ली है, वर्मी कंपोस्ट, बोन मील, ये बोन मील स्लो रिलीज है, और जो ये सरसों खली है, ये सरसों खली जो है ये थोड़ा फास्ट रिलीजिंग होती है फर्टिलाइज़र, तो ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देती है, और जो हमारे कीड़े वगैरह से हमें ये नीम खली हमें बचाएगी। तो ये हमें तीनों इसके अंदर ऐड करनी है। ऑर्गेनिक है और इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा, बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र है, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में आप इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। ये 20 दिन में, 15 से 20 दिन में आप रिपीट कर सकते हैं इस फर्टिलाइज़र को, और ये वैसे आप मंथली एक बार डालें तब भी सफिशेंट रहेगा। तो जितने एसिडिक लविंग प्लांट्स हैं, फ्लावर्स प्लांट्स हैं, सभी में ये प्रिपरेशन आप दे सकते हैं, और इसका रिज़ल्ट आपको 101% जरूर मिलेगा। तो मैं अपने काफ़ी सभी प्लांट्स में ये प्रिपरेशन देता हूँ फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो आप भी दीजिए और मुझे यूज़ करके बताइएगा कैसे लगे ये मेरे फर्टिलाइज़र और कैसा लगा मेरा ये प्लांट। तो दोस्तों, होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर किस दिन मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए वीडियो के साथ। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, बाय।